Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Hapur Lok Sabha seat se Bharatiya Janata Party ke pratyashi Arun Govil ne aaj apna namankan patra dakhil kar diya. Arun Govil ka namankan karane ke liye kendrit netrutv ke nirdesh par khud UP ke Deputy Chief Minister केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सभी लोग शास्त्री नगर स्थित शुभकामना हॉल पहुंचे और यहां नामांकन सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अरुण गोविल ने कहा कि यदि जीत का आंकड़ा जरा भी कम हो गया तो पूरी दुनिया में पूछा जाएगा क्यों राम में आस्था की कमी आ गई है। यह सवाल हम इसे पूछा जाना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पीएम मोदी देश में सर्वाधिक वोट पाने वाले होंगे जबकि जीत का दूसरा रिकॉर्ड मेरठ में होना चाहिए। यहां सभा के बाद नामांकन जुलूस भी निकाला गया। जुलूस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री सोमेन तोमर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज आदि भी शामिल रहे। पहले देखिए शुभकामना हॉल में आयोजित सम्मेलन में क्या कहा भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने। उन्होंने जो 400 के पार का आंकड़ा दिया है वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, उनके कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं निकालते वो मुंह से। अगर उन्होंने 400 के पार का आंकड़ा दिया है तो उसका कुछ अर्थ है। ये ऐसे ही नहीं कि नंबर बढ़ जाए इसके नहीं दिया उन्होंने, उसके पीछे उनकी कोई सोच नहीं होगी, कोई लक्ष्य रहा होगा। हम सबको मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करना है और जहां तक इस लोकसभा का प्रश्न है, जिस व्यक्ति ने राम का चरित्र निभाया उस व्यक्ति को भी धन वापसी हुई है आज उसके घर में। ये बात भी हमें सोचनी है, अपने आप में सहयोग भी है और वैचारिक सोच भी है। मैं मेरठ में जन्म हुआ, मेरा मेरठ में मैं पढ़ा बड़ा हूँ, मेरठ में मैंने पढ़ाई की है। आज अपने घर वापसी हुई है ये सोच कर मैं आया हूँ यहाँ पर कि यहाँ मुझे कुछ करना है। वन टू वन की जो समस्याएं होती हैं जान कर और अपने मात्र जन्मभूमि से हमेशा का लगाव होता है। जब भी लोग हमेशा मुझसे पूछते रहे, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं मेरठ का हूँ क्योंकि मैं मेरठ का हूँ। इसलिए आप सबके सामने ये दिल खोलकर बात कर रहा हूँ कि यहाँ से इस बार एक रिकॉर्ड जीत हासिल करनी है। केवल जीतना लक्ष्य नहीं होगा, एक रिकॉर्ड जीत हासिल करनी होगी। और प्रधानमंत्री जी और योगी जी और सभी बड़े नेताओं के जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जो इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके हाथ मजबूत करने होंगे, वो हम करेंगे। अरुण गोविल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। राम आज जब मुझे देखते हैं, आप भी देखते हैं, आप भी कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम, पूरे देश की निगाह है। और ये सवाल उठेगा कि राम को राम के घर से खड़ा किया गया तो कितने वोट मिले, कितने मार्जिन से जीते आप और कितनी रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। अगर ये कम हुआ तो जवाब देना होगा हम सबको, हमसे पूछा जाएगा ये सवाल कि क्यों, क्या हमारी श्रीराम में आस्था में कोई कमी थी? नहीं, हमारी आस्था में भी कमी नहीं है, हमारे श्रम में कमी नहीं है, हमारे परिश्रम में कमी नहीं है। हम ये करेंगे और जरूर करेंगे, इस देश के लिए करेंगे, इस प्रदेश के लिए करेंगे और इस शहर के लिए। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा। गोविंद जी आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं, आज नामांकन के कार्यक्रम में मैं यहां शामिल होने के लिए आया हूं और हम मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है, इंडी गठबंधन के मन में है, जो 2019 में भाजपा को यहाँ विजय प्राप्त करने से नहीं रोक पाए, जब सारे विरोधी एकजुट थे, तो 2024 तो भाजपा का है बन चुका है। सर श्रीराम को मानने वाले सर अरुण गोविल जी आए हुए हैं, लोग उनको बहुत आस्था से वैसे भी देखते हैं, आपको लगता है अगाड़ प्यार मिलेगा लोगों को? निश्चित तौर से उनके लिए प्यार मेरठ में भी मिलेगा, प्रदेश में भी मिलेगा, देश में भी मिलेगा। सर रात बदला है प्रत्याशी मेरठ का, क्या कहना है समाजवादी ने? सपा को अपना नाम अब बदल लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी को
अदला बदली कर प्रत्याशी पार्टी नाम रख लेना चाहिए। इस संबोधन के बाद यहाँ से रोड शो निकाला गया। देखिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।